चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक, जो कि होने वाला है ट्रेडिशनल कम मॉडर्न लुक। ट्रेडिशनल लुक को मैं मॉडर्न टच देने की कोशिश की हूँ, जो कि बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। मेरे चैनल में ऐसे वीडियोस पहले कभी नहीं था। होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की ही, साड़ी ड्रेपिंग भी कुछ नया तरीके से की हूँ। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे यूनिक लुक्स आने वाले हैं मेरे चैनल में। तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला मेकअप। फर्स्ट में मेरे स्किन को प्रेप कर रही हूँ और पहले तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि फेस को क्लीन करना ज़रूरी है मेकअप से पहले, मेकअप फ्लॉलेस दिखाने के लिए। तो पहले मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ और मैं सभी मेकअप वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर वे में सारे स्टेप्स बताती हूँ, क्योंकि मेकअप अप्लाई करने से पहले ये सब स्टेप्स फॉलो करने से ही मेकअप अच्छा दिखता है, अच्छे से ब्लेंड होता है। नहीं तो मैं ये सब कुछ स्किप भी कर सकती थी। आई क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि आई में थोड़ा सा हेवी मेकअप लुक ले रही हूँ। आई क्रीम लगाने से आईज एरिया बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही ईजीली हमारे आईज़ का जो कलर अप्लाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं। इसके बाद प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर में आप कोई भी ले सकते हो, अफोर्डेबल रेंज में आता है हमारा ब्लू हेवन का प्राइमर। सभी प्रोडक्ट के जो लिंक है, अमेजन रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा। नहीं तो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स का सेपरेट लिंक देती हूँ, उसमें भी आप क्लिक करके जा सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मैं उसमें मतलब कवरअप करके रखी हुई हूँ, आप चाहे तो बाय कर सकते हो। उसके बाद मैं प्राइमर में ले रही हूँ NYW का प्राइमर। NYW का प्राइमर काफ़ी पुराना है मेरे पास, लेकिन बहुत ही अच्छा वाला शेड है ये। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, बिल्कुल मतलब हाइड कर देता है सभी पिगमेंटेशन को। इसका शेड नंबर क्या है मुझे पता नहीं, मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स ऐड कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। पहले मैं मेरे आईब्रो को यहाँ पे शेप दे रही हूँ। आईब्रो को शेप दे रही हूँ मतलब थोड़ा सा क्लीनअप कर रही हूँ आईब्रो को। तो क्लीनअप करने से ना आईब्रो का एक बहुत ही अच्छा लुक आता है, उससे बिल्कुल फेस का मेकअप बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मैं फिंगर की हेल्प से पहले ब्लेंड करूँगी। फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें ब्रश या ब्लेंडर से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। अगर आप कंसीलर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लोगे लेकिन ब्लेंड नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे ना, उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्रैकी दिखेगा। बहुत ही आईज एरिया में जो सब लाइंस होते हैं, क्रीज होता है, वो सब पता चलेगा। तो उसमें ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप उसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने से अच्छा आएगा आपका आई लुक। तो ब्लेंडिंग हो चुका है मेरे, देख सकते हो इतना क्लीन दिख रहा है मेरे आईज एरिया। उसके बाद सेट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। पाउडर से आप कम्पैक्ट ले सकते हो, लूज पाउडर ले सकते हो, आपके पसंदीदा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सेट ज़रूर कीजिएगा। सेट करने से पहले मैं यहाँ पे मेरे आईब्रो को फिल कर रही हूँ विद स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है। इसमें 3-4 शेड भी आते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्राउन शेड, ब्लैक शेड भी आ जाता है इसमें, तो आप ले सकते हो। ये देखो आईब्रो फिल करने के बाद कितना लुक चेंज हो जाता है फेस का। तो आईब्रो को ज़रूर फिल करिए। यहाँ पे मैं क्रीज़ को बिल्डअप करने के लिए मोर्फी का पैलेट ले रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो भी कलर मैं यूज़ करूँगी, रेवोल्यूशन का नया वाला पैलेट जो ली हूँ उसी से फिल करूँगी। लेकिन क्रीज़ कलर के लिए इससे मैं एक ऑरेंजी टाइप, ऑरेंजी नहीं बोल सकते, स्किन कलर का टाइप एक लेके ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले तो मैं पूरे आइज़ लीड में पूरे अप्लाई कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर से सेट करने के बाद मैं एक ट्रांजिशन कलर लेके भी सेट कर लेती हूँ, ताकि जो भी कलर हम अप्लाई करें वो अच्छे से पिगमेंटेड दिखे। ऐसे जो ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से मैं एक क्रीज कलर लेके, ट्रांजिशन कलर लेके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और आउटर वी में थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। आप देख सकते हो आउटर वी में सर्कुलर मोशन से बार बार चलाने से आउटर वी में थोड़ा सा गाढ़ा कलर आ जाता है, वो आई लुक को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो आईज लुक के लिए आई शेडो में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है, बार बार मैं बोलती हूँ। जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना क्लीन दिखता है आई लुक। तो आप देख सकते हो मैं आउटर वी को बहुत ही अच्छे से राउंड करके ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आप मेरी अप्रोप्रिएट कलर मुझे मिल सके। बस बहुत इजी आई लुक है, आप भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो भी आपको सामने वाला दिखेगा उसको लगेगा कि आप बहुत एफर्ट देके क्रिएट की हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इजी वाला लगा, उसके साथ अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा आई लुक क्रिएट हुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को आई लुक। तो उसके बाद ना मैं एक एप्लीकेटर ब्रश ली हूँ। ये सारे ब्रश पूना स्टोर का है और ब्रश से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत अफोर्डेबल रेंज का ब्रशेस अभी ऑर्डर की हूँ मीशो से, बहुत अच्छा क्वालिटी का, तो उसका रिव्यू भी आएगा। तो बी श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी मैं एक गोल्डन सिमरी शेड लेके मेरा आई लिड में अप्लाई कर रही हूँ, आउटर वी की तरफ नहीं जा रही हूँ, सिर्फ लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और उसको एक फिनिशिंग लुक देने के लिए थोड़ा सा वो आउटर वी में जो कलर है ना उससे थोड़ा सा लेके दोनों कलर को मिक्स करके ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। देख सकते हो अभी मैं थोड़ा सा लाइट शेड ली हूँ, जो कि आउटर वी में हम लोग अप्लाई किए थे, उससे थोड़ा सा लाइट मतलब ऑरेंजी टाइप ऑफ शेड ली हूँ और सभी कलर को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर दी हूँ। और आई लुक कितना अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो कितना इजीली मैं क्रिएट की। उसके बाद हाइलाइटर शेड, वही रेवोल्यूशन के पैलेट से हाइलाइटर शेड लेके मैं मेरे इनर कॉर्नर को और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर दी हूँ। सेम प्रोसेस से मैं दूसरे आई को भी फिल कर ली हूँ। अभी हम लोग अप्लाई कर लेंगे फॉल्स आई लैसेस एंड लोअर वाटर लाइन में भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे। और फॉल्स आई लैसेस अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर। लाइनर में मैं कोलोसिल का लाइनर ली हूँ, पेंसिल लाइनर, एक छोटा सा स्मॉल सा ड्रॉ करूँगी, पतला सा, क्योंकि जब भी फॉल्स लैसेस लगाओ एक लाइन ड्रॉ होने से पता चल जाता है लाइनिंग। एंड मैं विंग आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। विंग आई लाइनर ये लुक के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था, तो धीरे धीरे करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हो विंग आई लाइनर जब क्रिएट करो तो पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद फॉल्स लैसेस भी मैं ऑफ कैमरा लगा लूँगी। लैसेस से पहले मैं थोड़ा सा मस्करा लगा लेती हूँ, ताकि लैसेस अच्छे से उसके साथ ब्लेंड हो जाए ओरिजिनल लैसेस के साथ। उसके बाद मैं फिर से लगा रही हूँ यहाँ पे आइकॉनिक वाला मस्करा। मस्करा लगाने के बाद मैं उससे पहले कर्ल भी कर चुकी थी मेरे मस्करा को। उसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन में भी सेम वही ऑरेंजी शेड लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा सा गोल्डन शेड भी ली हूँ। दोनों को मिक्स करके एक लोअर वाटर लाइन, मतलब लोअर वाटर लाइन नहीं परफेक्टली, लोअर वाटर लाइन के नीचे जो एरिया होता है वहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आई लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। काजल लगाना मैं भूल गई थी, हमेशा मैं काजल लगाना भूल जाती हूँ, तो काजल भी लगा चुकी हूँ। अभी फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये वाला लैसेस जो है ना बार बार क्यों गिर रहा था पता नहीं, तो उसके बाद मैं यहाँ पे फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। और फेस मेकअप में मैं आज ले हूँ फाउंडेशन, मेबेलिन का फाउंडेशन ली हूँ, फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं प्रॉपरली वीडियो में नहीं बता पाती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दे देती हूँ, आप लोग चेक कर दीजिएगा। ये फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, तो थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए इसको थोड़ा टाइम देके ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत क्राकी दिखेगा। ये देख सकते हो कितना फुल कवरेज है। और जब भी आप फेस का मेकअप करो, फेस में कंसीलर फाउंडेशन लगाओ, उसके साथ फाउंडेशन थोड़ा सा नेक एरिया में भी लगाया करो, नहीं तो फेस अलग और नेक अलग दिखेगा। आप बिल्कुल भूत नहीं लगोगे, जो दिखेगा पता कर देगा ये तो काली है, इसका नेक तो बिल्कुल अलग है फेस से, फेस में बहुत सारा मेकअप ले लिया है, ऐसे बोलेगा। जस्ट जोकिंग, आप लोग बोर ना हो इसीलिए जोक कर रही हूँ। इसके बाद नेक एरिया में भी मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। और यहाँ पे लूज पाउडर ली हूँ मैं, लैक्मी का लूज पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो, नहीं तो कम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। पर्पल का बनाना पाउडर अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप ले सकते हो। मैं ऑर्डर की हूँ, आ चुका है मेरे पास ऑर्डर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूँगी, क्योंकि ये कोरोना है ना, मैं 5-6 दिन तक पार्सल टच नहीं करती हूँ। उसके बाद देखो फेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा कंटूरिंग, हाइलाइटिंग, ब्लशर वगैरह अप्लाई कर लेंगे। और ब्लशर के लिए आज मैं ली हूँ ब्लू हेवन का ब्लशर, बहुत ही कम रेंज का बहुत ही अच्छा वाला ब्लशर है गाइस, ट्राई ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। उसके साथ ये वाला जो पफ देख रहे हो ना उसके साथ ही आया था, थोड़ा थोड़ा करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। कितना नेचुरल सा लुक आ रहा है देखो गाइस ये वाला ब्लशर से। तो उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, सिवाना कलर्स का हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरे नोज़ एरिया में, चीक बोन में और फोरहेड में, थोड़ा थोड़ा मेरे जो भी हायर पॉइंट्स है फेस में उसको हाईलाइट करने के लिए कर दूँगी। और कंटूरिंग में मैं आज ली हूँ लैक्मी का सिमर वाला। ये वाला बहुत ही पुराना है, मेरे फ्रेंड्स लोग शायद मुझे गिफ्ट किए थे हॉस्टल में, वो सब अब अभी मेकअप लुक क्रिएट करते टाइम याद आ रहा है, अभी मतलब यूज़ में आ रहा है मेरे, क्योंकि पहले मैं इतना मेकअप नहीं ले रही थी ना, आजकल आप लोगों के लिए ले रही हूँ। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, करा करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो अभी ना मैं ढूंढ रही थी कि मेरा मेरा हाइलाइटर कहाँ गया। ऐसा ही होता है मेकअप, मतलब बिहाइंड द सीन्स कभी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप हंस हंस के गिर जाओगे। मतलब आगे ऐसा होता है, पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, कितना कचरा होके पड़ा होता है, मेस वाला, वो कभी आप लोगों के साथ बिहाइंड द सीन शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं ब्लेंडिंग कर रही थी, लग रहा था कि मुझे ब्लशर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं ब्लेंड कर रही थी। एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टे को की क्या मिनी लिक्विड लिपस्टिक। इसका सेट नंबर डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लूँगी, आप चाहे तो इसको बन भी बना सकते हो, लेकिन ये मॉडर्न वाला लुक है तो ज़्यादा हेयर ओपन रखोगे तो ही अच्छा लगेगा। सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया एंड ये है मेरा फाइनल लुक। इसके साथ में पहले वाला जो मेकअप लुक क्रिएट की थी उसके साथ जो मांगटी का था, और ये वाला जो भी ज्वेलरी एंड ये जो ब्लाउज साड़ी, ये सभी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। कैसी लग रही हूँ वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये वाला जो साड़ी है ये ट्रेडिशनल रेड एंड वाइट का साड़ी है। पता है आप लोगों को दुर्गा पूजा में बंगाली लोग ऐसी साड़ी पहनते हैं, उनका सिंदूर खेल होता है, लेकिन ये वाला ट्रेडिशनल साड़ी को मैं कैसे मॉडर्न टच दी हूँ, आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ड्रेपिंग मुझे बताना। क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ना ये क्रॉप टॉप के पैटर्न में है, कोल्ड शोल्डर के पैटर्न में है, तो मुझे लगा कि इसके साथ ये वाला साड़ी को थोड़ा सा मॉडर्न टच देते हैं। मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड शेयर जरूर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन लोगों को डिफरेंट टाइप्स ड्रेपिंग एंड मेकअप वीडियोज़ पसंद है, प्लीज़। मेरा आज का मॉडर्न वाला दुर्गा पूजा मेकअप लुक, इसको देखने के बाद गारंटी दे रही हूँ आप लोग बोलोगे कि दी ट्रेडिशनल वाला लुक कहाँ है। तो आगे आने वाला है दुर्गा पूजा का बंगाली ट्रेडिशनल लुक। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक बंगाली ट्रेडिशनल मेकअप लुक, जो कि स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए अष्टमी नवमी दसवीं सबका एक डिफरेंट मेकअप लुक आने वाला है। तो बी श्योर आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।